का चैनल। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। तो गाइस फाइनली एक और नई वीडियो के साथ में आने वाला था, जो मैं नहीं आ पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरी क्लास चल रही है। आज है 26 तारीख और आज भी हमें छुट्टी नहीं दी। ये देखो ये चल रही मेरी क्लास। एक कॉलेज मेरा ये था ग्रेजुएशन वाला और एक कॉलेज मेरा ये है पोस्ट ग्रेजुएशन वाला। भाई मतलब डेट चेक करो, आज 26 जनवरी 2:30 बज रहा है। पता उड़ाने का इतना मन कर रहा है और हमारी चल रही है क्लास जिसको मैं छोड़ भी नहीं सकता। क्या होगा इस देश का यार। छी भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करता हूं सब मजे में होंगे। गाइस फाइनली एक और काइट फाइटिंग की वीडियो लेके हम आ चुके हैं। जैसे कि आज है हैप्पी रिपब्लिक डे और दूसरी चीज आज बसंत पंचमी भी है, तो गाइस काफी इंडिया के एरियाज में पतंगबाजी होती है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी पतंगबाजी करें। जैसे कि लास्ट ईयर भी हमने 26 जनवरी को पतंग उड़ाई थी, हालांकि हमें तो मौका चाहिए पतंग उड़ाने का, हम तो कभी भी चढ़ जाते हैं छत पे। तो आज एक दो पतंगें और उड़ रही हैं जिसको देख के हमें और ज्यादा पंप हो गए हम, तो फटाफट पतंगबाजी करते हैं, सारा मटेरियल दिखाते हैं और आज हम कुछ यूनिक करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। गाइस मेरे साथ आ रखा है विकास और ये भी आजकल ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रख चुका है और बाकी इसको भी मैं ले आया। मैंने कहा अकेले बोर ही होता और आज हमारी क्लास थी 26 जनवरी वाले दिन भी। बड़े दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ, हालांकि मेरे चेहरे पे हंसी होगी। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे वो देख सकते हो उछल वाली पतंग टंग रही है और उससे पीछे ये वाली पतंग बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा आज बेस्ट ओकेजन है इसको उड़ाने का, विकास भी देख लेगा कि किस तरीके से उड़ती है। इसके अलावा ये रहा अपना काइट बैग और ये तिरंगा भी हम ला रखे हैं, इसको लगाएंगे अभी हम। उसके अलावा ये सारे अपने मंजे हैं, बैक कैमरा करके आपको तरीके से सारी डिटेल में दिखाता हूँ। तो गाइस चारों तरफ मौसम देख चुके हो, कोहरा ही कोहरा है और बीच में एकदम सूरज निकला हुआ है और देख सकते हो चारों तरफ तिरंगे दिख रहे हैं मुझे और हवा बहुत बेहतरीन चल रही है आज। ये देख सकते हो एक तिरंगा यहाँ पर है और बाकी ये चेक करो भाई, एक बंदा यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, पता नहीं कौन है हमारे जैसा जो मौका ढूंढ लिया जिसने 26 जनवरी को उड़ाने का। और यहाँ पे दूर दूर तो कोई नहीं दिख रहा है। बाकी ये रही अपना कुछ कलेक्शन और यहाँ पे हमारे आ चुके हैं डेथ बैरन आफ्टर। अरे ये हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे इन्हें हम। ये हमारे जीजा जी हैं। कैसे हो जीजा जी? तो कैसे? बस एकदम बढ़िया। तो गाइस फटाफट बांधते हैं कन्ने और आप सबको ले चलते हैं आसमान में। पहली पतंग से हम शुरुआत कर रहे हैं जो है कपड़े वाली पतंग, यूनिक काइट जो हमने दिखाई दिखा सकते हैं। और एक बार कैमरा लेके इसमें कन्ने बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें ऑटोमेटिक कन्ने बंधे हुए आते हैं, ठीक है। और बाकी ये डंडा इसका इस साइड से होता है, बस कुछ नहीं करना। भाई साहब ये ऐसी पतंग उड़ा के ना मजा ही आ जाता है। ओ गई गई गई, ऊपर रखो, हल्की ढील दो, ऊपर रखो, ढील दे रहा हूँ, ढील दे रहा हूँ, ढील दे रहा हूँ, रोक लो, रोक लो, देख लो अंदर जाके। कोई ना भाग गई, पतंग तो दिखी नहीं, गई फंस गई। धागा दिख रहा है, ओ धागा दिख रहा है, धागा दिख रहा है, इधर वो नीले वाली, नीले वाली बिल्डिंग में है भाई, अब तो ऊपर जाना पड़ेगा किसी को। नहीं नीले वाली बिल्डिंग में नहीं है यार, ये तो बहुत लॉस हो गया हमें। आ जी आ जी यार, नुकसान करवा दिया यार, भाई दिख रही है? नहीं दिख रही, आराम से तो सर्दी सर्दी दिख रही है।
तो गाइस हमारी पतंग किसी ने तोड़ ली है, पहला ही टेक ऑफ हमारा क्रैश लैंडिंग में बदल गया। पहले सही उड़ी, नहीं पहले नहीं उड़ी, दूसरी तीसरी टेक में उड़ी, ऐसी उड़ी यार। इतनी महंगी पतंग उड़ाई है, पर इस पतंग का दुख ज्यादा ही हो गया यार। उस पतंग का दुख तो मेरे को भी हो रहा है, इतनी जबरदस्त उड़ी है, पता नहीं किसने तोड़ ली। मन तो कर रहा है ये ब्लॉग ऑन करके ना उसके घर ही चले। पतंग जी भी पतंग गिरा दी, ऊपर रखो ऊपर रखो ना ना उसको, वो अलग है, वो ऐसी रहता है, ऐसी रहता है। हाँ बस ऐसे रख दो। तो गाइस अब हम उड़ा रहे हैं, बस 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 खींच के। अरे फिर फंस गई, वो झोल ऐसे ही जाता है। सही से करनी देना, ऊपर से दे। हम भी उड़ाते हैं मशरूम भाई, तुम्हारी छोड़ 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 छोड़। हवा तो सही चल रही है, छीन लिया हमने कब से भाई, देख पतंग तो उड़ा दी, देख भाई मान ले तुझे बता। नहीं नहीं ना बंदी में तो सती है बंदी, आज ये पतंग देख के वो बंदा छटना है इसको भी लूटने की कोशिश में, और हम उसे कैप्चर कर ले फिर हल्ला बोल और उसके साथ। तो भाई पतंग उड़ गई अब तो, और पूरा पूरा तो आसमान ही खा लिया, कोई दिख नहीं रहा पतंग में। तो गाइस ऊपर वाली माउंटेन पे चढ़ गया हूँ मैं, और नीचे से क्रैश लैंडिंग के चांसेस ज्यादा हो रहे थे, और ये देख सकते हो ये बेहतरीन पतंगबाज हमारे गढ़वाल से आ रखे हैं। स्पेशल बुलाया गया इन्हें तुक्कल उड़ाने के लिए, पीछे डेड बैरो विकास की ब्लॉगिंग चल रही। अब ये चेक करो, आप ये चेक करो, ये नहीं पतंग, एक मिनट ये चल रही है पतंगबाजी फुल बेहतरीन, एक मिनट और जूम करते। ये देख सकते हो अपना ये पंजाब वाली असली पतंग, और ये 26 जनवरी का उत्साह लोगों में बहुत ज्यादा बड़ा। तो पतंग बहुत ऊपर जा चुकी है, और इसकी कमान हम अपने हाथों में लेते हैं, और यहाँ हमारी पतंग किसी ने चुरा ली। यहाँ कोई है, वो पता नहीं कोई तो था। तो गाइस पन्ने को पन्ने कह रहा हूँ, कन्ने मैंने बांध दिए इसके पीछे तक, ताकि पतंग ना आ जाए वजन। देख लेते हैं एक बार, हाँ बहुत वजन आ गया पतंग में। अब इसको पार करेंगे, ऊंचा ले जाके सुन कर देंगे डॉट, उसके बाद इसमें एक तरीके वाली चीज करने वाले हैं, देख करो वीडियो में मजा आ जाए। तो गाइस अब हम ये वाली पतंग पार कर रहे हैं, बांधने का तभी फिगर आउट करेंगे, अभी हमारा मेन मोटो है इसको पार करना। गाइस आ जाओ चलो, तुमने मेरी पतंग काटी और मैं तोड़ के भाग गया, ये करनी काट रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उड़ान भरी है मेरी पतंग, मैं इधर से करनी काट रहे हैं भाई, बंदी है एक तरफ, नीचे नीचे नीचे, ओ भाई भाई थोड़ा लेफ्ट में रखियो भाई, बड़ी मुश्किल से उड़ी है थोड़ी उड़ाने में, सारे ना आगे 10-15 मीटर मार जा मार कर, जब भी टेंशन हो रही है मेरी काट ले अब भाई, तू क्या कर उसको बोल दो भाई को काट, हमारे से बेचना भाई।
भाई दूसरी पतंग उड़ रही है, ये बनी ना परफेक्ट पतंग पहली बार में। भाई ये पतंग बहुत स्टेबल है यार, ये वाली ना। हाँ कन्या उसका ना बहुत पीछे को मारने हैं। अपना उड़ाओ। एक मिनट थोड़ा इसको ना हवा में ले जाते हैं ताकि मेरे वजन फैले उसका। यही थोड़ी सी तार लो अपनी पतंग। तार लो क्या होता है? थोड़ी सी मेरी पतंग की डिस्टर्ब कर रही किसी को। अरे विकास के हाथ में दे दिए बागडोर और डोर भी, और दो पतंगे अपनी आसमान में फुल सेट हो रखी हैं। दिखाता हूँ ज़ूम करके। एक प्लेयर, एक हमारे बेहतरीन प्लेयर कपड़े का वजन उठा लेगी पतंग। बस यही जानने के लिए तो हमें डोर पे बांधना उसे। तभी तो इतनी भारी कर रखी हमने पतंग। बस हवा ना रुके, अभी तक तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। और ये अब बेहतरीन कुछ होने वाला है। बांधो भाई। ऐसे उड़ाया? नहीं नहीं, ये ऊपर साइड होता है ना, ऑरेंज ऑरेंज ऊपर होता है ना। हाँ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलोइंग एथिक्स। हाँ जी ये देखो इनकी, इनको कुछ समस्या हुई है गाइस। चला इनकी भी। हाँ जी मुझे अमेरिका की झंडा दे दी तो भी 26 जनवरी को। अबे 26 जनवरी को इंडिया का फ्लैग देते हुए। अरे आप बाहर से आए हो ना सेलिब्रेट करने। अरे एक मिनट अब देखो को ढूंढो। एक ऐसी हमने उन्होंने पतंग उड़ाई अमेरिका की, वहाँ देखो वहाँ एक पतंग वो रही और एक आधी पतंग यहाँ देखो छोटी सी दिख रही है बिल्कुल बीच में फ्रेम के। बहुत लोग उड़ाने लग गए, काफी अच्छा लग रहा है, फुल हर्ष और उल्लास का माहौल। और ये हमारे लॉन्डो ने फुल भारत माता की जय के जोश के साथ 74th रिपब्लिक डे दौर ऐसे नहीं पकड़ने। और ये कुछ सिमेट्रिकल इनको और ये कुछ कर रहे हैं। मेरे को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जान के, सो दैट मैं कैप्चर कर पाऊँ ये मोमेंट्स। और जैसे कि हमारे इंस्पिरेशन गौरव तनेजा AKA फ्लाइंग बीस्ट हैं, उन्होंने जहाज से भारत का नक्शा बनाया। नक्शा तो हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन हम झंडा जरूर अपने आसमान तक ऊंचाइयों में ले जा सकते हैं। और ये थोड़े से हैवी ड्राइवर है, लगता है मुझे ही बागडोर संभालनी पड़ेगी। लो भाई, तो गाइस हम विकास को कैमरा दे रहे हैं। चल देख अब तो थोड़ी नॉट साइड है, धीरे धीरे ले जाओ ढील देना। चल रही पकड़ो, चल रही पकड़ लो। अबे ये भी तो उसको अगर खींचेगा बहुत है भाई, बहुत है। तो यही तो कहता हूं मतलब या तो तेज हवा चल जाए थोड़ी सी भाई, बेटा और फंस गया। एक काम करो इसको आगे ले चलते हैं, फिर वहां से नीचे चल के आएगा। अगर मैं उनको थोड़ी देर कॉल करूं गाइस देख सकते हो। भाई उठी क्या? जा रहा है। मत तिरंगा भी तो बड़ा है ना। इसको तोड़ के क्या पता इसको बांधने तो चक्कर है। तो गाइस हमें ऐसा महसूस होता दिख रहा है कि ये पायलट बदलना पड़ेगा। पायलट नहीं, इसका प्लेन बदलना पड़ेगा। प्लेन बदलना पड़ेगा। तो अपने दूसरे वाले को बोलते हैं जरा दो जरा अपनी पतंग दो उड़ा रहे हो क्या? ढील दे दो, तू ढील दे सकता है, तू नहीं। ये वाली भी ऑटो पायलट है। अरे भाई गाइस ये इस पतंग का वजन बहुत ज्यादा है, तो शायद ही झंडे का वेट कैरी कर ले। हाँ। और वो वाली काली वाली पतंग दिखाओ वो बगल में जाए। वो मैं ही उड़ा रहा हूँ। सुनो एक और चीज़ अभी। आवाज़ सुनो।
बैठ ब्लैक वाली पतंग गई आ गई आ गई भाई पहले भी पतंग नहीं थी अब देख दो तीन पतंग और आ गई है इसको थोड़ा सा उतार लिया पतंग नीचे आ गई एक मिनट ऊपर लो रिस्पेक्ट टू फ्लैग अब मैंने पकड़ दिया चल खरा चल थोड़ी जल्दी चरखड़ी का स्टैंड लेना उठ गया चरखड़ी 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उतार क्यों ले तूने अरे यार माइनर हानि आई अभी नहीं उठाएगा ना यार हैवी है ना झंडा हां ये यहां पे ले यहां पे ले और गाइस फाइनली हमारा झंडा थोड़ा सा आसमान की तरफ जाता हुआ और वाली मार गई पतंग का है हैं और वो देखो गाइस हमारी कितनी दूर है पतंग और ये रही मन झंडा थोड़ा सा अगर पतंग और अपने आप को वो कर लेगी और थोड़ी देख सकते हो मस्त आसमान में पहुंच चुका है चलो खुशी भी एटलीस्ट पहुंचा तो सही पर इतना ऊपर नहीं पहुंचा जितना हमने सोचा था शायद इसके लिए हमें 6-7 फुट वाली पतंगें लगानी पड़ेंगी सर हमने झंडा को ज्यादा बड़ा ले लिया है अब आपके हवाले पतंग का गाइस हमने अपना हैंडओवर कर दिया और कैमरा भी हम हैंडओवर ले रहे हैं और ये देख सकते हो तो मैं ये सोच रहा हूँ उस पतंग में क्यों ना मांझा बांध के एक दो पेच भी कर लिए जाए पतंग है का तो पेच करेगा अब देखो झंडा ओ झंडा पे कुछ हुआ झंडे में हलचल हुई यार झंडे में हलचल तो जी जी एक मिनट जी एक मिनट मैं दूसरी छत पे जाके आपको रिकॉर्ड करता हूँ वो टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया जी गाइस तो गाइस ये देखा इसे देख सकते हो झंडा जा रहा है आसमान में वो रही हमारी पतंग कितना कितना सुंदर कितना ही सुंदर नजारा है हालांकि पतंग पे जो हमने झंडा बांधा है वो बहुत ही बड़े साइज का है जिसकी वजह से वह उसको उठा नहीं पा रही है कुछ हवाओं की मजबूरी कुछ पतंग की मजबूरी और कुछ हमारी गाइस एक पतंग और उड़ रही है लेकिन झंडा बांधते ही लोग हमसे पेच करने नहीं आ रहे हैं आसमान में एक सेनापति और तैनात कर रखा है हमने ये रहा और साथ में चोर बनाने के लिए हमारे बेहतरीन ये देख सकते हो गाइस और झंडा पुल लहर रहा है मजेदार बिल्कुल एक नंबर जिया जी टूटनी नहीं चाहिए टूटना नहीं तो गाइस ये देख सकते हो झंडा कितना सुंदर लग रहा है और ये देख सकते कितना प्यारा व्यू है हालांकि थोड़ा सा अंधेरा होने वाला है जिया जी कैसा लग रहा है आपको जो जो हमें दुख हो रहा था उस पतंग को खोने का कपड़े वाली का अब कोई दुख नहीं है तो चलो गाइस उस पतंग में बांधते हैं मांझा ऑटो पायलट से हटाते हैं और इस बंदे से करते हैं पेच तो गाइस मैंने उस बंदे की पतंग काटी इतनी जबरदस्त खींच में और वो रिकॉर्ड देर से रिहर्स कर रहा हूं कि भाई क्या क्या मैंने बोला छी भाई सब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा गाइस जो नए नए आ रहे ना यूट्यूब पे रिकॉर्ड लेकिन वो इतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं क्योंकि यहाँ से जो एंगल मैंने उठाया ना पतंग खींच का इससे आना चाहिए था यार यार बहुत गुस्सा नहीं आ रहा पर जो ये सजेशन देना चाहता हूँ जो भी लोग नए आ रहे हैं ना यूट्यूब पे वो अपने बंदे को टीम जरूर स्ट्रांग रखना जो रिकॉर्ड कर ले भाई यार चरखी भी हाथ में थी सब कुछ था मैंने देखा ही नहीं बटन चला बहुत बुरा लगा दिल से बुरा लगा आज हमने पतंग काटी मेरे खुशी देख सकते हो चेहरे पे वही आपका सबूत है कि मैंने काट दी है लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ भाई छोड़ दो सॉरी भाई सॉरी
भाई देखा ही नहीं यार। मैं इतनी इतनी इतने एफर्ट लगा के मैं खींच मार रहा हूँ। यार सॉरी भाई, मुझे कोई अनुलोम विलोम सिखाओ, गुस्सा ठंडा करना अपना। ये किसने पकड़ ली? कोई बीच में ही पकड़ ली किसी ने? भाई दिख ही नहीं रही है भाई, किधर है? नीचे लगे मैं, नीचे लगे बहुत दूर पीछे। वो काटनी, ओ भाई वो काटनी सच में, और क्या बोले को, वो बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर है। हमारी पतंग कर देगी भाई, कहां पतंग ही दिख रही है, दिख ही नहीं रही है भाई। तू क्या कह रहा है, कौन से पेच? बहुत नीचे आके काटा गाइस, अगर दिख गया देखो, अब मैं ऊपर ला रहा हूं पतंग। ओ भाई नहीं भाई, एक तो मेरे आसमान में हो रही। अरे वो तो रही जिया जी की पतंग। हाँ अब एक पतंग तो दिखी है भाई साहब, क्या पेज काटा भाई, भाई कहाँ है, किधर है? ये नहीं दिख रही ऊपर, देख दौड़ से दौड़ से दौड़ से अंदाजा लगा। नहीं भाई कुछ ही नहीं दिख रहा भाई, दिख तो रही है, कहाँ दिख रही है? मैं दिखाता हूँ गाइस, मेरे हाथ में आ गया कैमरा। और ये किसकी है? जिया जी की पतंग है। एक मिनट, ये इनकी है, ये रही अपने बीच में, बिल्कुल कैमरे के बीच में, देख छोटी सी। अच्छा तो गाइस ये बिल्कुल कैमरे के फ्रेम के बीच में मैंने कैप्चर कर लिया, और वाइड करूंगा तो आप समझ जाओ कितनी ही दूर है ये। ये देखो ये रही, ये बैक, तो इतनी दूर पेज काटा है। शायद अगर मैं कलर बैलेंस करके उसको मैनेज कर पाऊँ पेचा रिकॉर्ड करने का, तो अगर हल्का हल्का आपको दी जाएगा, अदरवाइज आप फिर ले लो बस। देखो कितनी ऊपर हो गई है, वो देखो, देख पकड़, अब नजर लगेगा। आपको तो जीरो भी नहीं दिखे थे फोन में, ये तो फिर भी बहुत दूर है। वही तो भाई, आसमान में डोर जा रही है। तो गाइस इसको लपेटते हैं फटाफट, लपेटते हैं धीरे धीरे, और बस आज का 26 जनवरी यही समाप्त था भाई। उतारो क्या, दिखा ऑडियंस को, दिखा जो इस पे ज़ूम कर। तो गाइस अंधेरे में हमें पता ही नहीं चला कि मांझे की रील भी आ गई थी, देखो। और अगर अभी पेच यहाँ से लड़ता ना तो हम आउट थे बिल्कुल ही, तो पूरा उतर गया यार। देखो रील आ गई, वो तो अच्छा, वो बीच मिड में था ये, उतर गया उसकी जो कोटिंग थी कांच वाँच की, उतरी नहीं, रील आ गई है, रील आ गई है। ये मैं वो होता है ना माइलस्टोन, एक किलोमीटर पे माइलस्टोन आता है। अच्छा मैंने सोचा ये वो उतर गई है, 900 मीटर की रील होती है ना एक, इसका मतलब आप समझ रहे हो? हाँ हाँ मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गया, किलोमीटर पा रहे हैं, ये तो 900 मीटर तो डोर ही डोर है। हाँ अभी उतारने के बाद आई है, अभी तो दिख नहीं रही यार, किधर है ये? अच्छा अब यहाँ से फोन छूट गया भाई, नहीं भाई भाई कहाँ है भाई, इतनी देर तक हमने सब कुछ दिखा लिया, हम देखते हैं उदित की पतंग कितनी उतरी है। उदित की पतंग अभी वो तेरे को उदित उदित बोलते चैनल पे कि रियो रियो बोलते, दो नहीं चलता ऐसे, तो रियो बोलते, रियो की पतंग देखते कहाँ तक उतर गई। थैंक यू सो मच फॉर द देख लो इसको, ये बेचारी खूब घूम के आ गई है, ये देखो। हाँ कितने ये पतंग हमने 15 अगस्त में उड़ाई थी, उड़ा के पूरी भरी सभा से उतार के लिए आए थे, और जो उसके अलावा वाली पतंग थी कपड़े वाली, वो भी हमने ऐसे कई बार ऐसे रिस्क लिए हैं, लेकिन आज उसकी विदाई थी, तो उसके लिए मैं बाबुल की दुआएं चढ़ाना चाहूंगा। आज दो दुख एक साथ, और ये बातें करते करते पतंग उतार रहे थे, पर पतंग तो कहीं ना चले नहीं आ रही है, जिम्मेदारी बनते पूरा। और फिटनेस चैनल हमारे बीच में है एक, वही उसका फिटनेस चैनल था पहले। ओ वाओ क्या हुआ भाई उसका, फिर ये बीमार पड़ गया ना। मेरे को ना वो घूमने वाला क्या? अच्छा अगर यहाँ जैसे सारे बच्चे मैक्सिमम हमें देखते हैं, अगर किसी भी बच्चे ने हमें देख रहा और उसने हमारी पतंग को लिया ना, एक बार कमेंट कर देना, मेरे को थोड़ा तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ चलो मिल गई है, ठीक है। भाई ये दुख दिखा नहीं रहा है, दुख कैसे पतंग का दुख बहुत है भाई, पैराशूट का कपड़ा था, पैराशूट का कपड़ा था उसमें, तीन साल से मैंने उसको अपने सुपरविजन में रखा था, वो मेरे हर बार क्या बोलते हैं काइट कलेक्शन की शान बढ़ाती थी, काइट स्टैश हर साल। और कोई थी ऐसी पतंग जिसमें पैराशूट का कपड़ा लगाओ?
ये एक ही लाया था मैं। यार जेम वन ऑफ इस काइंड। अरे यार तो शिट, दुखों पे दुख बर्दाश्त ही एक तो खत्म क्यों नहीं हुआ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। होप करते हैं आपको मजा आया होगा, और मजा तो आना ही था क्योंकि हमने इतने एफर्ट जो डाले थे। बाकी आसमान में भारत का हमारा जो मिशन था वो हमने काफी हद तक पूरा कर लिया, हालांकि कुछ और प्लान्स भी थे बसंत पंचमी में करनाल जाने के और एक जगह और जाने के, समहाउ पूरे नहीं हो पाए। बट कोई नहीं, उम्मीद नहीं हारते इसलिए हमने यही पता उड़ाई। तो गाइस नीचे कमेंट करके बताओ कैसा लगा और क्या मजा आया। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, साइनिंग आउट योर एक्सप्लोरर।